ये कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट और ईवीएम, ये तीन यूनिट्स हो गई। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांग लिया है कि वीवीपैट के 100% मिलान हो या ना हो। लेकिन उसके पहले मैं अभी तक के जितने भी इलेक्शन प्रोसेसेस हैं उन पर सवाल पूछ लूं आपसे, क्या ये संभव है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मैन्युपुलेट किया जाए? मनोज सिंह काका कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में धांधली हुई, पॉसिबल है मैन्युपुलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? मैं आपको सारी चीजों के जवाब दे दूंगा, लेकिन इसके पहले ये बात जानना सबको जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब वोटर का फैसला किया कि वो केवल एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोटर है वो वोट देने से अपने को एक्सप्रेस करता है अपने आइडियाज की, किसको चाहता है नहीं चाहता है। तो ये एक प्रोसेस जो है वोट डालने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर आता है, और वो जरूरी है किसी भी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और ये देखने के लिए कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो। तो सबसे बड़ी बात ये है कि हम कैसे इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है और वो अपनी बात जो कहना चाहता है वो पूरी तरीके से जो एक्सप्रेस किया उसने वोट के अंदर आ गई है। अब हम जाते हैं इस बात के ऊपर कि ईवीएम को क्या हम बोल सकते हैं कि ईवीएम की मशीन के अंदर मैनिपुलेशन पॉसिबल है या नहीं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट के सामने कई बार उठाया कि ईवीएम के अंदर मैनिपुलेशन होता है, ईवीएम एक मशीन है। और क्वेश्चन जो रेज किया जो 2013 के जजमेंट का आप बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ईवीएम मशीन की बात वो उसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है या नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना है तो वीवीपैट का होना जरूरी है। और वहीं उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया कि जो चुनाव होंगे उसके अंदर सारी मशीनों के अंदर वीवीपैट होना चाहिए। अब ये जो तीन चीजों की बात कर रहे हैं, देखिए मैनिपुलेशन तो ईवीएम मशीन की बात है, उसमें जो आप जब बटन को प्रेस करते हैं तो वो जिसको आपने किया है वो वहां पर प्रिंट होकर के जाता है और वो स्लिप एक बॉक्स के अंदर जाती है। अभी जो क्वेश्चन सबसे बड़ा उठा है वो ये कि आप कैसे इंश्योर करेंगे कि मैंने जैसे को वोट दिया, मैंने कांग्रेस को वोट दिया, मैंने बीजेपी को वोट दिया, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, और जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसके पास वोट चला गया है नहीं चला गया है। इसी कारण से जितनी डेमोक्रेसीज है वर्ल्ड के अंदर उन्होंने ईवीएम मशीन को हटा दिया, उन्होंने कहा मशीन उसका नहीं हो सकती क्योंकि ये वोटर को इंश्योर करना है कि उसका वोट किसके पास गया है। इसलिए अब ये जब जगह जगह पर उन्होंने देखा कि ये या तो ये कंट्रोलिंग मशीन के अंदर मैनिपुलेशन है या जहां पर वो प्रिंट हो रहा है उसमें मैनिपुलेशन है, ईवीएम में मैनिपुलेशन है क्योंकि सारी मशीन्स हैं, और ये रीजनेबल तरीके से अगर ये माना जाए तो कोई इंश्योर नहीं कर सकता कि मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये सिचुएशन है तो क्या संजय पारे, तो क्या संजय जी सुप्रीम कोर्ट इस पर सुमोटो एक्शन लेते हुए कोई निर्देश भी जारी कर सकने की कैपेसिटी में है? अभी तो जवाब मांगा इलेक्शन कमीशन से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। देखिए जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो इलेक्शन कमीशन बताएगा, यूनियन ऑफ इंडिया को जो भी उनको फाइनेंसेस देने हैं वो उपलब्ध कराने पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल अदा करता है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। तो अगर मान लो इलेक्शन कमीशन कहता भी है कि हमारी ईवीएम के अंदर सारी चीजें ठीक है, इसके अंदर हम नहीं कर सकते, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, अगर हम एक एक उसको जो वीवीपैट गया उसको काउंट करेंगे, ये सब चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी को बचाना सुप्रीम है। नहीं, अगर मैं इसी पर आती हूं संजय जी, अगर ये आर्ग्यूमेंट रखा जाता है सुप्रीम कोर्ट में, सवाल यही वैलिड है सबसे ज्यादा इस समय, अगर आर्ग्यूमेंट ये रखा गया सुप्रीम कोर्ट में कि टाइम टेकन प्रोसेस होगा, वापस बैलेट के दौर में हम पहुंच जाएंगे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस आर्ग्यूमेंट के बाद वर्डिक्ट दे सकता है? देखिए ये जो आप बात बता रही हैं, अभी तो सारी बात यही हो रही है कि हमारे यहां पर ईवीएम, जैसा मैंने आपको बताया, आपने जर्मनी को उदाहरण दिया, बहुत सारी और डेमोक्रेसीज हैं जहां उन्होंने मशीन छोड़कर के बैलेट के ऊपर आ गए हैं। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी के प्रोसेस को देखने के लिए कि आपने वोट जिसको दिया है उसी के पास गया है ये जरूरी है, तो उसके लिए आपको बैलेट पेपर के ऊपर ही जाना पड़ेगा। शर्मा, इसमें कोई चुनौती देखते हैं आप?